अस्सलाम वालेकुम, निकी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीताफल की मोटी रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगती है। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो देखिए, हमने सीताफल लिया है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। और इसका जो बीज का हिस्सा है, बीज वाली हिस्सा, इसको हम साइड कर लेंगे और इस तरीके का लेंगे, ये गुदा हटा लेंगे बीज का। इस तरीके से। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा वीडियो पूरा देखिए एंड तक। तो देखिए, इन्हें हम काट लिया है, इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। सारे सीताफल को हम कद्दूकस इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सीताफल को कद्दूकस कर लिया है। और ये सूजी लिया है, हमने सूजी लिया है। और ये बेसन है, दोनों को एक में डालकर मिक्स कर लेंगे। इनमें सीताफल डाल लेंगे। इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से मिला लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। ये लिया है हमने थोड़ा टमाटर, आधी टमाटर है, और आधी लिया है हमने प्याज। तरीके से काट लेंगे इनमें। अरे, हरी मिर्ची लिया है। लहसुन की कलियां लिया है। थोड़े पुदीने के पत्ते हैं। ये थोड़े धनिया के पत्ते हैं, इनको इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। तो देखिए, हमने इन्हें बारीक कर लिया है, इनमें मिला लेंगे। ये देखिए, हमने छोटी कटोरी, एक कटोरी दही लिया है, वो भी इनमें मिला लेंगे। ये लिया है एक चुटकी, है अजवाइन, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, दरदरी कुटी मिर्ची, नमक, काला नमक, इन सारी चीजों को इनमें डाल लेंगे। इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। इनमें थोड़ा पानी डालकर ले लेते हैं। इनमें लगा हुआ है प्याज। देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इन्हें मिक्स कर। तो देखिए, हमने इसको इस तरीके से मिला लिया है। ये सूजी है, तो अभी थोड़ा ये फूलेगी, तो इन्हें थोड़ी देर के लिए, 10 से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे ढककर साइड में। चटनी बनाएंगे खाने के लिए रोटी के साथ। तो देखिए, ये थोड़ा हमने धनिया पत्ता लिया है, मशीन में डाल लेंगे। अरे, थोड़ा पुदीने का पत्ता डालेंगे। ये हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची डालेंगे इनमें। अदरक का टुकड़ा 2 से 3, 4 अदरक, लहसुन, इन्हें बारीक पेस्ट बना लेंगे। नमक डाल रहे हैं 1/2 चम्मच और काला नमक 1/2 चम्मच, इनका पेस्ट बना लेंगे।
बारीक बिल्कुल। एक चीज भूल गए, ये नींबू का जूस, जिससे हमारी चटनी बहुत ही अच्छी खट्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए नींबू का रस भी इनमें गार लिया है, इनमें थोड़ा पानी डाल लेंगे, इन्हें बारीक पेस्ट बना लेंगे। 10 मिनट हो गया हमें रखे हुए, इन्हें खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और बहुत ही टाइट हो गई है, तो इनमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे। देखिए इस तरीके का हमने कर लिया है तैयार डो, तो अब बनाने चलते हैं। तो देखिए हमने पैन चढ़ा लिया है, इनमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल गरम हो गया है, इनमें डालेंगे बैटर, डाला है। इन्हें मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, इन्हें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इनमें कवर कर देते हैं इन्हें और पकने देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए ढक के पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गया है, इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी रोटी। इसी तरीके से इस तरफ का भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए इस तरीके से उलटते पलटते हुए हमें सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, तो इन्हें भी निकाल लेंगे। देखिए हमने सीताफल की मोटी रोटी बनाकर तैयार कर लिया है, इसके साथ हमने चटनी भी बना लिया है। ये चटनी में एक कमी है थोड़ा, इनमें थोड़ा हम डालेंगे दही, इससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगेगी। तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे चटनी को, चटनी में दही को। देखिए यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा सीताफल की रोटी, आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। इस तरीके से बनाइएगा तो इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।